नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिक्षकों की काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में 1,47,000 शिक्षकों की काउंसलिंग, 9 से 13 दिसंबर तक होगी काउंसलिंग। बिहार में जमीन मापी से संबंधित नए आदेश, बिना म्यूटेशन करवा सकते हैं नापी। मापी फीस न जमा करने पर रद्द होगा आवेदन। बिहार में कपड़ा और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा, तमिलनाडु के त्रिपुर मॉडल से बिहार में बदलाव। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र का भी किया दौरा। बिहार में खुलेंगे 5 नए टेक्नोलॉजी सेंटर, जमशेदपुर से संचालित होंगे एक्सटेंशन सेंटर, बेरोजगार युवाओं को मिलेगी तकनीकी जानकारी। ईशान किशन का धमाकेदार प्रदर्शन, महज 4 ओवर में टीम को 10 विकेट से दिलाई जीत। ईशान ने अकेले बाउंड्री से ठोक दिए 74 रन। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 1,47,534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होगी। इसमें बीपीएससी से अनुशंसित प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक, साथ ही दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक शामिल हैं। काउंसलिंग बीपीएससी के अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए उनके आवंटित जिला मुख्यालय पर होगी, जबकि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग उसी जिले में की जाएगी जहाँ वे पदस्थापित हैं। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया है। काउंसलिंग का कार्य 9 से 13 दिसंबर तक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पद के लिए शुरू होगा। इसके बाद शिक्षक पद के लिए 16 से 20 दिसंबर तक और 23 से 31 दिसंबर तक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। जिलाधिकारियों को काउंसलिंग की व्यवस्था के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। के लखीसराय में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक राज्य युवा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 2000 युवा कलाकार 19 चाक्षुष कला विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे लखीसराय के गांधी मैदान में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस उत्सव का उद्घाटन किया और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। यह महोत्सव राज्य भर के युवाओं को अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देगा, साथ ही विजेताओं को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा और यह उत्सव बिहार की कला और संस्कृति को बढ़ावा देगा। पिछले साल यह उत्सव सारण में आयोजित हुआ था और अब यह लखीसराय में आयोजित हो रहा है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 2025 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ये कार्ड सभी माध्यमिक स्कूलों के प्रधान अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड पर स्कूल के प्रधान के हस्ताक्षर के बाद ही छात्रों को असली एडमिट कार्ड मिलेगा। छात्र छात्राओं को 5 दिसंबर 2024 तक अपने डमी एडमिट कार्ड में किसी भी गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। इसके बाद कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। बिहार बोर्ड जल्द ही परीक्षा टाइम टेबल भी जारी करेगा और परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। बिहार सरकार कपड़ा और चमड़ा उद्योग को हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए उद्योग विभाग की टीम ने तमिलनाडु के त्रिपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने कपड़ा उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। त्रिपुरा मॉडल बिहार में लागू करने की संभावना तलाशी गई है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा टीम ने रानीपेट में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज संयंत्र का भी दौरा किया, जो टेनरी अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग में सक्षम है। विभाग ने बिहटा में 72,000 वर्ग फुट का प्लग एंड प्ले शेड भी आवंटित किया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन मापी को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब बिना म्यूटेशन कराए रैयत अपनी जमीन की मापी करवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, लेकिन मापी फीस जमा नहीं करने पर आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। नए आदेश में सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश और लोक शिकायत निवारण से संबंधित मापी को भी शामिल किया गया है। विभाग ने जमाबंदी में ऑनलाइन सुधार की सुविधा भी शुरू की है और जमाबंदी के सुधार के बाद ही जमीनों की मापी की जाएगी। यह बदलाव रैयतों के लिए जमीन मापी की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम मंदिर, जो माता जानकी की जन्मस्थली हैं, उनके विकास के लिए राज्य और
केंद्र सरकार ने मिलकर 120 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। यह राशि भूमि अधिग्रहण के लिए दी गई है, जिससे मंदिर के आसपास पर्यटकीय सुविधाएं और आधारभूत संरचना बेहतर हो सके। इसके तहत परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लवकुश वाटिका और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। पुनौरा धाम को अयोध्या से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आश्वासन दिया कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को पूर्व कार्य अवधि का वरीयता लाभ देने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। मंत्री ने बताया कि यह नियमानुकूल व्यवस्था है लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं है। इसके अलावा 42 फर्जी शिक्षकों के मामले में मंत्री ने बताया कि इनकी पहचान की गई है और कार्रवाई की जाएगी। 11 शिक्षकों का वेतन अवरुद्ध कर दिया गया है। मंत्री सुनील कुमार ने विश्वविद्यालयों में अनियमित भुगतान के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए ऑडिट किया जाएगा और दोषियों से पैसे वापस लाए जाएंगे। बिहार को मिले एक नए तोहफे के तहत राज्य में 5 नए टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। ये सेंटर राजगीर, रोहतास, पूर्णिया, दरभंगा और सारण जिलों में खोले जाएंगे और इन्हें जमशेदपुर के IDTR द्वारा संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस फैसले की घोषणा की और इसे बिहार के लिए बड़ी सौगात बताया। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस निर्णय पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बिहार के विकास में महत्वपूर्ण कदम होगा। टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन सेंटर के जरिए रोजगार युवाओं को तकनीकी जानकारी मिलेगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में नए कोर्स की शुरुआत पर निर्णय दिसंबर में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जानकारी दी कि कांग्रेस MLC समीर सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी गई है। समीर सिंह ने विश्वविद्यालय में कई विषयों के संचालन की समस्या का उल्लेख किया था, जिसके कारण UGC से अनुदान नहीं मिल रहा है। मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय से नए कोर्स की शुरुआत के लिए आवश्यक जानकारी मांगी गई है और दिसंबर में इस पर निर्णय लिया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंगलोर और हैदराबाद के लिए 2 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। उन उड़ानों का संचालन 15 जनवरी से होगा और बुकिंग शुरू हो चुकी है। पटना से बैंगलोर के लिए उड़ान सुबह 9:05 में होगी और 11:45 में यह बैंगलोर पहुँचेगी। पटना से हैदराबाद फ्लाइट दोपहर 1:45 में उड़ान भरेगी और 3:55 में हैदराबाद पहुँचेगी। दोनों मार्गों पर नई फ्लाइट्स के बाद को अधिक विकल्प मिलेंगे। पटना बैंगलोर मार्ग पर अब कुल 5 उड़ानें होंगी। बिहार विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में लगभग 150 सवाल अनुत्तरित रह गए। विपक्ष और सरकार के सदस्यों ने जनहित से जुड़े सवाल पूछे लेकिन हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी। सत्र के दौरान 5 विधेयक पारित हुए और सरकार ने द्वितीय अनुपूरक व्यय की राशि की मंजूरी ली। विपक्ष ने स्मार्ट मीटर और वक्फ बोर्ड पर विरोध प्रदर्शन किया। पहले दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चली। विपक्षी सदस्यों के सहयोग से प्रश्नकाल भी बेहतर ढंग से संचालित हुआ लेकिन 5 दिन का शीतकालीन सत्र बीते दिन समाप्त हुआ। पटना के गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार ने कृषि यांत्रिकीकरण मेले का उद्घाटन करते हुए विपक्षी दलों और लालू राबड़ी पर हमला बोला। उन्होंने 2005 में सरकार में आने के बाद कृषि क्षेत्र में किए गए कार्यों को गिनाया और कहा कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। CM ने कहा कि आज तक जो नहीं हुआ बिहार में वह हमने किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो यह मेले का शुभारंभ किया गया वह हमने किया था और अब सब कुछ अच्छा से हो रहा है। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, बिहार के लिए क्या किया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने वहीं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में लोगों को भ्रांतियों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ताओं के हित में है और राज्य में 56.03 लाख मीटर सफलतापूर्वक स्थापित किए गए हैं, जिनमें 18 लाख शहरी और 38.03 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता की न्यायालयों ने समीक्षा की है और यह भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुराने मीटर को भी तुलनात्मक रूप से स्थापित किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं की भ्रांतियां दूर हो सके।
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने दिवंगत पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर कहा कि सुशील मोदी ने कई दशकों तक बिहार और देश की सेवा की और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। 72 वर्षीय सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को कैंसर से निधन हुआ था। वे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम रहे और बिहार के महत्वपूर्ण नेताओं में उनकी पहचान थी। बीजेपी नेता ने उनके मरणोपरांत मान की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के ग्रुप सी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 334.78 की उच्च स्ट्राइक रेट से खेलते हुए सिर्फ 23 गेंदों पर 77 रन की नाबाद पारी खेली है। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 9 छक्के लगाए और अकेले बाउंड्री से 74 रन ठोक दिए। ईशान किशन की इस पारी की बदौलत झारखंड ने 4 ओवर 3 गेंद में बिना किसी विकेट के नुकसान के मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। अब इस प्रदर्शन के बाद ईशान किशन ने अपनी काबिलियत से यह साबित कर दिया है कि मुंबई ने उन्हें न खरीद कर गलती की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, छोटू राजा, जितेंद्र ठाकुर, सुकांत शंकर, अमरेंद्र महतो, अनवर करीम खान, शानवी गुप्ता, मोहम्मद सोहेल आलम, रवि मोहन वर्मा और नीतीश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि ईशान किशन की आक्रामक बल्लेबाजी से आप कितने प्रभावित हैं? क्या आपको लगता है कि वो आईपीएल में भी दमदार प्रदर्शन कर पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।